कबीर चाचा, कबीर चाचा, कबीर चाचा, कबीर चाचा, कबीर चाचा, उठ जाइए, सुबह हो गई कबीर चाचा। कौन अब्दुल? और एक सुबह हो गई। वो मेरा शर्ट दे दे। चाचा, सूरज की किरणें कितनी सुंदर दिख रही है ना। बेटा अब्दुल, जब तू बड़ा होगा ना, तो इतना बड़ा बन जा कि सूरज की तरह चमकना। पर एक बात याद रखना कि कितना भी बड़ा बन जाएगा ना, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना। और एक बात, तब भी तुम मुझे रोज जगाने आना। अगर जो मैं आपको नहीं जगाने आया तो मैं नहीं उठूंगा। और अगर मैं कभी भी नहीं आया तो बेटा मैं कभी नहीं उठूंगा। चल। नमस्कार, मुख्य समाचार इस प्रकार है। 25 मई 2011 राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट के गेट नंबर 7 पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके ठीक 105 दिन बाद आज सुबह 10:15 बजे फिर से दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर खड़ी एक कार के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। इस बम ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए और 51 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। दोबारा राजधानी दिल्ली को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। अभी तक किसी भी आतंकवादी के ग्रोह ने इस हादसे को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर बेहद शोक व्यक्त किया है। समाचार समाप्त हुए। और पालो इन्हें अपने देश में। ये साले जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे इन मुसलमानों की, गद्दार मुसलमानों की। मुसलमानों के बारे में क्या बोल रहा तू, क्या बोल रहा तू? हाँ, तुझे कैसे मालूम ये सब मुसलमानों ने किया है? तो क्या हमने किया है? अरे मेरे भाइयों, क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? हाँ, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है कबीर चाचा। ए, दोबारा मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलने का, फिर बोला तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाइयों, अपने देश में सरकार है, न्याय व्यवस्था है ना, वो लेंगे ना इस बारे में निर्णय। आप आपस में निर्णय लेकर क्या करेंगे? कबीर चाचा, ये तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। इन्हें कैसे समझाना है वो हमें अच्छी तरह से आता है। अरे तू क्या हमें समझाएगा रे? हम छोड़ेंगे नहीं तुम सब हिंदू लोगों को। जा जा, हम भी देख लेंगे तुम मियां लोगों को। अब्बू, आप ऐसा कीजिए कि आप अम्मी के साथ यहाँ पे आके खड़े हो जाइए। अरे नहीं भाई, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे अब्बू ऐसा नहीं। और भाभी, हाँ? आप यहाँ पे जाके बैठिए। शहनाज, अब्बू और अम्मी को साथ में बैठने देते हैं और मैं फूफू के साथ बैठ जाती हूँ। अरे फूफू आए तो सही। देखिए अम्मी, एक तस्वीर के लिए घंटे भर से सज रही है। फूफू, अल्लाह आप आ भी जाइए। आ रही हूँ, जरा सुरमा तो लगा लूँ। अरे आपकी आंखें तो बिना सुरमे के भी माशाल्लाह खूबसूरत दिखती हैं। जल्दी आइए आप। आए हाय, गजब खुदा का, कैसी हाय तौबा बचा दी है तुमने। जाने कौन कौन फोटो देखने वाला है भाईजान। मैं ऐसी खड़ी हो जाओ बिना तैयार। मगर तुम घंटे भर से तैयार क्यों हो रही हो? तुम्हारा क्या दूसरा निकाह होने जा रहा है? तौबा अस्तगफार, कैसी बातें करते हो भाईजान। आप अब्बू के साथ यहाँ बैठ जाएं। नाना, मैं ना बैठूं? मैं खुद ही नहीं बैठता। हाँ जाने दो, तुम बैठो इनके पास, हम तो अपने बहू के साथ फोटो खिंचवाएंगे। आ जाओ। जरा डट के बैठो, इनके मुकाबले कहीं फोटो खराब न हो जाए। भाईजान, मेरा सेट दिख रहा है? खींचो। इन्हीं का सेट दिखा, रख लो कंधे पे। अरे फूफू, अकड़ के क्यों खड़ी है? ए तस्वीर खिंचवा रही हूँ, ऐसे ही खड़े होते हैं तस्वीर में। मुस्कुराइए सब लोग। मुस्कुरा रहे हैं। इतना काफी? बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है। इतना बड़ा मुंह खोल रही है। ए अब खींचो भी, गर्दन अकड़ गई मेरी, जबड़े अकड़ गए मेरे। एक सेकेंड। ओहो, अब क्या हो गया इस कैमरे में? चलो खींचो जल्दी। ए शन्नो, इस डिब्बे में कुछ डाला भी था तुमने? हाँ, करबला की खाक डलवाई थी। हाँ एक सेकंड फूफो, बस हो गया। या बस आखिरी बार। हाँ हाँ फूफो, बस आखिरी बार। ए हे हटाओ, नहीं खिंचवाना तस्वीर। कैमरे को हो गया। गजब खुदा का भाईजान, देखो क्या किया इसने। तुम्हारा चेहरा किस तरफ था? उस तरफ था, दीवार की तरफ। बेहतर है तस्वीर फना होने से बच गई। Hmm.
क्या बात है लक्ष्मी? कुछ नहीं भैया, मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ, ये मेरे भाइयों को पसंद नहीं। क्यों? तुम्हारा धर्म आड़े आता है। मैं मोहसिन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये भी उन्हें पसंद नहीं, पर मैं मोहसिन के बगैर जी भी नहीं सकती। प्लीज भैया, कुछ तो करो ना। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे भाइयों से मिलकर तुम्हारे और मोहसिन की शादी के बारे में बात करूंगा। सच? सब सही होगा। राम जादे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन लक्ष्मी की शादी एक मुसलमान से कराएगा? उन दोनों को तो हम ढूंढ ही लाएंगे जहां भी तूने भगाया है, और मिलते ही उन्हें मार डालेंगे, पर तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोड़ो इस हरामजादे के हाथ पैर। मुश्ताक बेटा, तेरा भाई तो घर के बाहर है सुबह से, वहां दंगा फसाद हो रहा है, मार काट चल रही है, अब तक घर नहीं आया मेरा बेटा। अम्मी तुम फिक्र मत करो, करीम भाई को मैं अभी लेकर आता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कौन है दरवाजे पर? अम्मी मैं करीम, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे करीम बेटा, तेरा भाई तुझे ढूंढने गया है, बाहर बहुत दंगा फसाद हो रहा है ना, और मुझे डर भी लग रहा था। मुश्ताक भी ना, अम्मी घबराओ मत, मैं भी मुश्ताक को लेके आता हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करो। अरे ये तो पानी जी का बेटा, ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा आजा आजा, डर मत बेटा, डर मत, मैं तुझे तेरे घर लेकर जाता हूँ बेटा। अरे ये तो पांडे साहब का बेटा है, मुश्ताक मार डालेगा इसे, चलो। किसका बच्चा ये? ये बच्चा किसका है? चल बच्चा दे मुझे, मैं तो इसे बचा रहा था साहब। बता, मैं तो बच्चा को बचा रहा था साहब। कौन मारेगा? मुझे मार डालेंगे साहब, वो देखिए आ रहे, मुझे मार रहे साहब, मुझे बचा लो, बचा लो साहब, मुझे साहब, मुझे भाग जा, छोड़ दो साहब, भाग, तू भाग जा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। भाई मुझे बचाओ, करी भाई मुझे बचाओ, मेरे भाई को मत मारो, करी भाई को मत मारो, मुश्ताक, मुश्ताक मेरे भाई, ए मुश्ताक, मुश्ताक, तेरी वजह से मेरा भाई मर गया आज। मैं तो बच्चे को बचा रहा था। अरे बच्चे को तो मेरा भाई बचा रहा था, तूने मेरे भाई की जान ले ली। देखो तुम गलत समझ रहे हो। अरे गलत समझते थे, अब समझ में आता है कि पुलिस हमारी दुश्मन है। पुलिस अपना काम कर रही थी। हाँ करती है, दंगों में मुसलमानों को मारकर। ये मेरे बेगुनाह भाई की लाश तेरे जुल्म की गवाह है, जी करता है तेरे साथ साथ तेरे वालों को भी जलाकर राख कर दूं।
करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार। इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान का दुश्मन है, बेगाना सारा संसार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार। इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान का दुश्मन है, बेगाना सारा संसार। जाने कितनी सदियां बीती, कितने मौसम बीत गए, जाने कितनी सदियां बीती, कितने मौसम बीत गए, जाने क्या कुछ पाने की जिद, दिल के रिश्ते रीत गए, उजड़ी है हर बार बस्तियां, बेवजह है लुटी बहार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार। चीफ मिनिस्टर साहब, कल रात जो दंगा फसाद हुआ, जो खून खराबा हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, आप तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बड़ी बड़ी मिसाल दिया करते थे, क्या यही आपकी एकता, क्या यही है आपकी एकता का नारा? कहिए, आप खामोश क्यों हैं? अरे आप दुखी हैं, ये सारा शहर दुखी है, आप क्या समझते हैं हम दुखी नहीं हैं? तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो हम उन लोगों को सजा दिलवाएंगे जिनका इस हादसे के पीछे हाथ है। किस किस को पकड़ेंगे सर आप? एक हिंदू पुलिस ऑफिसर के सामने एक मुसलमान की हत्या कर दी गई और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि वो एक मुसलमान था। आपको पता है उसी मुसलमान ने एक हिंदू बच्चे की जान भी बचाई है। क्या यही है आपकी सरकार, आपकी पुलिस फोर्स जो एक बेगुनाह की रक्षा तक नहीं कर पाई? इस बात का जवाब तो आपको पार्लियामेंट में देना ही पड़ेगा मिनिस्टर साहब। अरे हम और हमारी सरकार क्या करेगी, ये तो आपको कल के न्यूज़पेपर में पता चल ही जाएगा। अच्छा हम चलते हैं, हमारी सभा का वक्त हो गया है, नमस्कार। कल तो आखिर कल ही रहा है, देखते हैं कल मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या गुल खिलाते हैं। मैं मुंबई से ज्योति शर्मा, अंत तक। समझ में नहीं आता हमारे देश की जनता इतनी भोली क्यों है, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम पर भरोसा करती है, फिर उसे सीएम की कुर्सी पर बिठाती है और वही सीएम उनके साथ विश्वासघात करता है, जनता की भावनाओं के साथ खेलता है और उनके धर्म और मजहब को ठेस पहुंचाता है। अरे ठाकुर साहब, आजकल आप हमसे छुपा छुपा कर बड़े धमाके करने लगे हैं। अरे धमाका काहे का कामिल खान, वो साला इंस्पेक्टर विजय पाटिल को सस्पेंड करवा दिया है, अब क्या है, हिंदू लोग तो हमसे खुश हैं ही, ये साले मुस्लिम लोग भी हमसे खुश हो जाएंगे। क्या चाल चली है, क्या दिमाग लगाया है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इंस्पेक्टर विजय पाटिल को कर्तव्य में लापरवाही के लिए सस्पेंड करने का आदेश देती है। आचार्य जी, आपने आज का न्यूज पेपर पढ़ा है, ACP विजय पाटिल को सस्पेंड कर दिया है। हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था, लेकिन प्रदीप ठाकुर ने ACP विजय पाटिल को सस्पेंड करके एक ऐसे बारूद को चिंगारी दी है जिसका धमाका पूरे शहर को हिलाकर रख देगा।
होली मुबारक हो बेग साहब, होली मुबारक हो। गजब खुदा का, आपको भी होली मुबारक हो। अरे भाई बेग साहब, होली की मिठाई तो खिलाओ। बेग साहब आप अपने हाथ से ले लीजिए। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी, ये लीजिए। बहुत मुबारक, आप भी चख लीजिए हमारे हाथों। हाँ जरूर टेस्ट करेंगे। बड़ी टेस्टी मिठाई है। भाभी अल्लाह की कसम, देखो तो कमबख्त मरे घर तक रंग लेकर आ गए। लखनऊ में कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह रंग बिरंगी सूरतें लाने के दरवाजे तक। अब भाईजान को तो कहते नहीं हो कुछ, चले गए फौरन उनसे मिलने। अच्छा एक बात तो बताओ, ये मरे कहीं भाईजान को रंग तो नहीं लगा देंगे? फूफो अब्बू को और हमें इसी बस्ती में रहना है, मिलना जुलना तो पड़ेगा ही ना एक दूसरे के साथ। आए है तो फिर तू भी जाकर बंदरों जैसा अपना मुंह रंगवा कर आ जा। अल्लाह भाईजान, कंबख्तों ने रंग वंग तो नहीं लगाया? अरे वो रंग लगाने नहीं आए थे, अरे त्योहारात मिलने जुलने का बहाना होता है। भाईजान इन मर्दूदों का कोई भरोसा नहीं, रंग में मिलाकर कुछ लगा दिया तो। अरे रंग और होली जो है ये दोस्ती के त्योहार हैं, दुश्मनी निकालने के नहीं। अल्लाह तोबा तोबा तोबा, यहाँ आने के बाद दीन ईमान भूल गए, अब क्या होली और दिवाली पर ईमान रखोगे? तबस्सुम, इस्लाम इस कट्टरपने का नाम नहीं है। तुम तालीम इस्लाम की पहली किताब लो और फिर से पढ़ना शुरू करो। लो इस्लाम भी फिर से पढ़ू मैं। अरे पुप्पो आपने तो अब्बू के ईमान पे ही हमला बोल दिया। हाँ हाँ, जब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं तो एक दूसरे के जज्बातों की कदर करेंगे ही ना, इसमें हर्ज क्या है? वाकई कोई हर्ज नहीं मेरी बच्ची, कोई हर्ज नहीं। बस मेल जोल यू ही बढ़ता रहा तो बस वो दिन दूर नहीं के शादी ब्याह भी होने लगेंगे घर में, है ना? वो तो शुरू हो चुके हैं पुप्पो। हम ना जाने किस दुनिया में रहते हैं, हमारे ही मोहल्ले की मेरी एक सहेली दीप्ति और क्या? ओह नो, क्या होगा? ये कोई खेलने की जगह है? तुमने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी, चलो भागो यहां से। पढ़ना लिखना है नहीं, सबके ऊपर तेंदुलकर बनने का भूत सवार है। अरे इनको बोल के कोई फायदा है क्या? ये मियां लोग कभी सुधरे हैं जो अब सुधरेंगे? अरे रे अब क्या करें? अबे ओए सुन, मेरी बॉल लेकर कहां जा रहा है तू? मेरी बॉल वापस कर, अभी बताता हूं मैं इसको। लो अब इस अब्दुल ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। अरे तूने मेरी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा? कौन तोड़ा? हमने तो नहीं तोड़ा। मैंने देखा तू नहीं तोड़ा, ये कोई खेलने की जगह है क्या? एक बार समझा, समझ नहीं आया क्या? चल जा यहाँ से। अपुन इधर क्रिकेट खेल रहा है, तू अपनी कार इधर काहे के लिए लाया? रोड के तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप की तो नहीं है, तेरे बाप की है क्या? बहुत बोलता है तू, क्या कान के नीचे? अगर हिम्मत है तो मार के दिखा ना। तेरी तो मैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसने अब्दुल को थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती की है, अब इसे मुसलमान लोग नहीं छोड़ेंगे, और मुसलमानों ने छोड़ भी दिया तो करीम इसे नहीं छोड़ेगा। करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार, इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान का दुश्मन है, बेगाना सारा संसार। अरे मेरे अल्लाह, गजब खुदा का भाईजान, इतनी खरीदारी करनी है ईमान से, मुझे क्या बताऊं? कंबख्त मारी मैं भी, दो दिन पहले खरीदारी कर लेती तो ये नौबत नहीं। अरे कुछ नहीं, तुम खुद ब खुद लखनऊ वालों के घर गई होगी और ये पूछा होगा कि बहन तुम्हारे लिए क्या सौगात ले आऊं। कसम खुदा की नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। भाईजान उन्हीं लोगों ने कहा, भाभी जान जरा बम्बई से ये ले आना, बाजी ये ले आना, वो ले आना। अच्छा जो भी खरीदारी करना, मगर 4 बजे तुम्हारी गाड़ी जाती, वक्त पे आ जाना। हाँ, 4 बजे तक तो हो जाएगा सब कुछ। अरे बहना अब ये बता दो कि तुम्हारे रास्ते के लिए क्या बनाऊं, 2 रात 1 दिन का सफर है तुम्हारा। अरे मेरी भाभी, भाईजान से पूछो मुझे भूख कहाँ लगती है। सही बात है, कुछ मत बनाओ। अल्लाह नहीं, गजब खुदा का कमाल करते हैं आप तो।
नहीं भाभी बना लेना, रास्ते में भूख लगे तो हा? एक काम करो, थोड़ा सा दाल गोश्त, थोड़ा सा भुना कीमा, कबाब, हाँ रोटी मत बनाना, पराठे बनाना, मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी। अरे तुम मत बनाना, शन्नो से कहना, बड़ा लजीज खाना बनाती है अपनी बच्ची, मैं कह देती हूँ। शन्नो जी फूफी। अल्लाह ये तो यही खड़ी है, तू कहाँ जा रही है तैयार होकर? मैं भी आपके साथ जा रही हूँ मेन रोड तक, वो उस दिन वाली फोटो लानी है, लेके नहीं जानी आपको लखनऊ, आप तो बड़ी हीरोइन लग रही है उसमें। देखो भाईजान कैसे मजाक उड़ा रही है मेरा, दीवार की तरफ मुंह था, जल्दी से तस्वीर खींच ली, लखनऊ में वो दिखाऊंगी क्या। चलो चलो अच्छा। 2 बजे तुम्हारी गाड़ी है, जल्दी आ जाना। अरे अरे गजब खुदा का, अभी तो कह रहे थे कि 4 बजे। 2 बजे कहूंगा तो 4 बजे आओगी ना तुम। भाईजान आप भी चलो भाई, मैं तो चली, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मैं पहचानता हूँ तुम्हें। अच्छा घर में कुछ गोश्त की महाया ले आओ। हाँ हाँ जी, बहुत सारा गोश्त फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ हाँ, ये कौन आ गया भाई, मैं देख लूँ जरा। अल्लाह यस मिस्टर बशीर बेग, मैं ही हूँ, फरमाइए। नमस्ते अंकल, मैं आनंद हूँ, बेंगलोर से आया हूँ, सलीम, सलीम का दोस्त। आनंद आनंद, उसने फोन पर बताया था, आइए प्लीज। जी वेलकम, आइए। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं, घर पे कैसे हैं सब? बस सलीम को बहुत चिंता लगी रहती है। बस अल्लाह का करम है मियां, बैठिए जी। काफी बड़ा घर है आपका। दिल बड़ा होना चाहिए मियां, घर से क्या फर्क पड़ता। बेगम जी, अरे इनसे क्या पर्दा है, ये तुम्हारे बेटे सलीम के दोस्त हैं, बेंगलोर से आए हैं। नमस्ते आंटी। जीते रहो, सलीम खैरियत से तो है? जी बिल्कुल, बहुत दिल लगा काम करता है। बेगम कुछ नाश्ते वगैरह का इंतजाम हो जाए तो बेहतर रहेगा। जी अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई हम तुम्हारे यहाँ आए तो मत खिलाना बस। अंकल ये सलीम ने भेजा आपके लिए। ओह, इसमें एक लेटर भी है। अच्छा, और ये मिठाई मेरी माँ ने भेजी है। अरे इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? तकल्लुफ कैसी अंकल, मेरे भाई के यहाँ बेटी पैदा हुई है। भाई खुदा बच्ची की उम्र दराज करे, तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी पैदा हुई है। जी थैंक यू अंकल। एक्चुअली माँ और मैं बच्ची को देखने आए थे बॉम्बे। अच्छा, तो सलीम ने कहा आपको ये दे दूं, और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो गई। नवाजिश, यही है वो? हाँ यही है वो। बच्चे को मारता है? अरे, अरे बच्चे को मारता है? अब करीम क्या हुआ? बच्चे को मारेगा तू? बच्चे को मारेगा तू? सुनो, अरे बच्चे ये बेक साहब, क्या मैं तुझे बताता हूँ कैसे मारता है बच्चे को? सुनिए तो सही, हाथ उठाएगा तू? आज मैं तुझे बता दूँगा। बेक साहब आप बीच में मत पड़ो। करीम क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? इसी ने मारा तुझे थप्पड़, मार साले को मार। क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? ये आनंद मेरा मेहमान है। कोई भी होने तो बेक साहब, इसने मेरे मामू के बेटे को मारा है, ये बच के नहीं जाएगा इधर से। एक मिनट भाई आनंद, तुम बताओ क्या हुआ? अंकल इस लड़के ने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, फिर इसने पत्थर उठाकर जानबूझकर कांच तोड़ दिया, तो मैंने इसे, आप चाहे तो उस दुकानदार से पूछ सकते हैं। अबे बच्चा है वो, गलती हो गई तो जान से मारेगा, बॉक्सर भी है तेरे में। अभी बताता हूं तुझे। अरे क्या तुम्हारा जंगली बना है, असूलन तो ये होना चाहिए कि बच्चे को 2 थप्पड़ मार दे, गाड़ी के पैसे भर दे, लेकिन उल्टा इसे मारने चले आए तुम। बेग साहब आप बीच में मत पड़ो, ये मेरा इसका जाति मामला है, आप पीछे हटो। अरे हटो, अरे समझो, करीम ये मेरा मेहमान है। क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलिए, आप दरवाजा खोलिए बेग साहब, अरे दरवाजा खुलवाओ, छुपा के कब तक बैठोगे उसे? अरे मैं कहता हूँ बाहर निकालो बेग साहब। बैठिए वो, क्या हो गया? आंटी डिटॉल है? हाँ है। डिटॉल ले आइए और एक रुमाल ले आइए। हाँ बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेग साहब आखिरी बार समझा रहा हूँ, आनंद को घर से बाहर निकालो, मेरे दुश्मन को घर में बिठाकर मेरे से दुश्मनी ले रहे हो, आग लगा दूंगा इस घर को। कहाँ कहाँ आग लगाएगा रे तू, ये बस्ती तो तू पहले भी फूंक चुका है, लेकिन आज अगर इस बस्ती में आग लगी तो तू पहले जलेगा उस आग में। आनंद अपना लड़का है, उसे हाथ लगाने वाला 4 कांधों पर जाएगा यहाँ से। आ गया आनंद और सदानंद का ठेकेदार। अबे कुछ आदमी तो साथ लिया था उसकी अर्थी उठाने के लिए,
वरना एक भिखारी की अर्थी लगेगी। अब इस बस्ती से हमारे वालों की अर्थियां नहीं निकलेंगी, जनाजों के लिए सड़क चौड़ी करा ले। मैंने भी तेरा नाम अगर राशन कार्ड से नहीं काटा ना तो मेरा नाम करीम शेख नहीं। अपन हिजड़े नहीं जो अपने वालों को पिटता देखते रहेंगे। अबे मर्द तो तू कभी था ही नहीं रे, धोखे से मारने वाला मर्द किधर होता है। वो देख तेरे वाला हिजड़ा छुप के बैठा अंदर, निकालना उसको दम है तो। वो निकलेगा भी और अपने पैरों पर मेरे साथ चलकर भी जाएगा, आज मैं भी देखता हूँ तू उखाड़ क्या लेगा। तू देखेगा भी और याद भी रखेगा, क्योंकि आनंद अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। जा अपने लड़के भेजकर उसकी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी करवा ले। तेरे को बोलना पड़ेगा आज कफन वाले से, क्योंकि आनंद को कुछ हुआ तो दुकान पर कफन का कपड़ा कम पड़ जाएगा। ये बस्ती रहमान नगर नहीं है जहाँ हिंदुओं के घर जलाकर तुम लोगों ने ईद मना ली थी। अरे हनुमान गढ़ी भी नहीं है ये बस्ती, जहाँ बीच में फंसे मुसलमानों को काट कर गंगा नहा लिए थे तुम लोग। मामू मैं छोकरे लोगों को बुला कर लाता हूँ। फिक्र मत कर छोटे, इन सैकड़ों कबूतरों के लिए अकेला बाजी बहुत है। हमिद भाई क्या हुआ छोटे? जल्दी चलो, करीम भाई का लफड़ा हो गया। करीम भाई का लफड़ा? कब? बेग साहब के घर के पास। अरे किससे? विजय से। विजय से? ए चल 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 अपन। अरे भाई किधर जाना है लेकिन? अबे सवाल जवाब बहुत करता है, चल चल। लेकिन देखो क्या है, मेरा बहुत अर्जेंट काम है, इंटरव्यू का कॉल आया है मुझे, अमेरिका का वीजा लेने गया तेरा अमेरिका का वीजा। इधर मियां भाई लोगों का टेंशन और तुझे अमेरिका जाने की पड़ी, चल नहीं तो फोड़ डालूंगा। इरफान भाई देखिए बात ये है कि एक मिनट बात चल रही है। अरे क्या कहां ले जा रहे हैं? ये खून तो बंद ही नहीं हो रहा। अंकल आप लेट जाइए, लेट ही आप। आइए। इतना खून बहा दिया, जूतियां मार मार कर सूरत बिगाड़ दूंगी उस खबीज की। अरे बेगम ठहरो। आंटी आसपास कोई डॉक्टर है? लेकिन उन्हें बुलाकर कौन लाएगा? मैं जाऊंगी अम्मी। चुप रहो दुल्हन, तुम उन दरिंदों के सामने निकल कर जाओगी? आंटी अंकल को डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊंगा। देखो बेटा, एक तरफ इनकी हालत देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ तुम्हारी जान जोखिम में पड़ जाएगी। शैतान दरवाजे पर मुंह फाड़े खड़े हैं। लेकिन आंटी जख्म बहुत गहरा है, खून बंद नहीं हो रहा, अगर सेप्टिक हो गया तो सारे जिस्म में फैल जाएगा। आंटी अंकल को डॉक्टर के पास तो लेकर ही जाना होगा। अब डर की वजह से मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हेलो आनंद, आवर जेंटलमैन, दिस इज डीडी दत्तात्रेय दांडेकर, इट्स विजय, डोंट वरी। करीम, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अंकल से तो कोई दुश्मनी नहीं ना तुम्हारी, इस वक्त इनकी मदद करना तुम्हारा भी फर्ज है। विजय जख्म बहुत गहरा है, खून बंद नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन लेकिन क्या? तुम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, पट्टी कराओ और फिर यहां से जाओ, देखता हूं कौन रोकेगा तुम्हें यहां। करीम भाई गोली दे रहा है, उधर से चुपचाप भाग जाएगा। अबे मैं क्या अलीबाग से आया हूँ, बेग साहब तो बाहर निकलने देंगे नहीं,
निकलने दे साले को, रास्ते मिलते ही दबोच लेंगे। जाइए भेक साहब। पता नहीं क्या होगा अब इस बस्ती का। 6 महीने भी नहीं हुए दंगे होकर, अब फिर माहौल बन गया है दंगों का। सेठ जी, आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? पिछले दंगों में करीम का भाई मुश्ताक मारा गया था, उसके बाद हर हिंदू उसका दुश्मन हो गया। हमें इन दंगों में पड़ने की जरूरत नहीं है, चल तू घर जा। पता नहीं और कितने लोगों का बलि लेगा ये दंगा, कितने लोगों के हाथ पैर कटेंगे। न जाने इस बस्ती की खून की प्यास कब बुझेगी। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों आ रहे हैं? ये क्या हुआ? या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह, ये क्या हो गया? बोलो ना बेटा, क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अबू, आप ठीक तो है ना? बताइए ना अबू, बोलिए ना अबू, कुछ तो बोलिए। दरवाजा खोलो। या अल्लाह, आनंद क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? अबू, अबू कैसे तबीयत है आपकी अबू? और ये बोतली क्यों चढ़ाई है? आप कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ आपको? इतने जोर से सांस क्यों ले रहे हैं अबू? आप कुछ मुझे तो कुछ बताइए ना कि क्या हुआ। मैं बताऊं? बोलिए ना। अच्छा बताता हूँ, ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लो। अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेगम, मैं अच्छा खासा हूँ। ये सब आनंद का आइडिया है कि अगर मुझे इस हाल में देखेंगे तो बाहर सड़क पर वो करीम और विजय झगड़ा नहीं करेंगे। उन्होंने वाकई झगड़ा नहीं किया, अगर वो झगड़ा करते तो मैं घर जिंदा कैसे आता? न मैं जिंदा आता, न वो जो बाहर खड़े हुए मुसलमानों की और हिंदुओं की भीड़ है उनमें से कोई जिंदा रहता। 50 बेगुनाहों का खून बह जाता, सबकी जिंदगी का अख्तियार ये अकेला है। खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है, तुम्हारा एहसान है हम पर। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी? एहसान तो गैरों पर किया जाता है, अपनों पर नहीं। बेटा लगता है तुम्हारा रिश्ता है कुछ हम लोगों से और इस घर से। क्या है? अच्छा अंकल, अब मुझे चलना चाहिए। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इन हालत में यहां से जाने दूंगा? मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपनी जान बचाने के बाद तुम्हें इन भेड़ियों के हवाले कर दूंगा? बेटा मैं नाम का नहीं, मैं सच्चा मुसलमान हूं। मेहमान हमारे लिए ईमान की हैसियत रखता है और मेहमान के जिस्म में जरा सी खराश ईमान पर खराश के बराबर होती है, और वो खराश मैं कभी लगने नहीं दूंगा। लेकिन अंकल ये सब, मैं पुलिस को फोन करता हूं। नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, आप जानते हैं उन्होंने किस तरह धमकी दी है। देखिए झगड़ा मेरी वजह से हुआ है और मेरे बिना खत्म नहीं होगा। ये झगड़ा तुम्हारी वजह से नहीं, उन दोनों मर्दों की जिद की वजह से है। इस वक्त हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तुम मेरे लिए मेरे बेटे सलीम की तरह हो। मैं सलीम की लाश नहीं देख सकती। करीम भाई एक बात पूछ। ए, तू चुप करना, भेजा खराब है मेरा। इरफान भाई, मैंने आपको बताया था मेरा आज बहुत ही एक अर्जेंट काम था। नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ पे, बस एक फोन करके आता हूँ बस। What nonsense?
child wanting milk, wanted strength, wanted to fight with her, me. Yeah. 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 Hey, don't show your hand. I hate your hand. You have hand, then I have leg. Yeah. 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 Ah. Cutting one leg, no leg, then beg. Good income. You understand? Don't laugh. देखे जरा किसमें कितना है दम। सुना भाइयों, दम की बात कर रहे हैं। जो अंदर छिपा बैठा है उसे बाहर निकाल के लाओ ना। शायद शहनाज वापस आई है। कौन है दरवाजे पर? बेग साहब, मैं हूँ डॉक्टर केलकर। आपके लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ जो उस वक्त जल्दबाजी में देना भूल गया था। ये बहुत जरूरी है, आपको अभी खाना है फौरन, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। अंकल मैं देखता हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। अरे अरे, तेरा काम हो गया ना? जी। कायरों की तरह क्यों बैठा है यहाँ पे? चल मेरे साथ, तुझे गाड़ी तक मैं छोड़ूंगा, तुझे कोई छुएगा भी नहीं। लेकिन विजय, ये दवाएं खाने के लिए नहीं, दरवाजा खुलवाने के लिए मंगाई थी मैंने। बहुत शातिर हो तुम। पुलिस में रह चुका श्रीमान, समझे? चल यहाँ से। आनंद यहाँ से नहीं जाएगा, तुम जाओगे इस घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हिम्मत की बात मत करना बेग साहब, भारी पड़ेगा। अच्छा, चल आनंद यहाँ से। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इसे जमीन पे तोड़ा है, आपके सर पे भी तोड़ सकता था। पुलिस को बुलाने की कोशिश पूरे घर को आग लगा देगी। चलो यहाँ से आनंद, चलो। विजय, ये क्या कर रहे हो? विजय, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे? आनंद यहाँ से चल के नहीं जाएगा। आनंद यहीं से जाएगा। पड़े? अरे ऊपर वाले से तो डरो। मुझे मारेगा, बहुत भारी पड़ेगा। इधर मत आना, तू जा बेटी, जा वापस, जा वापस, जा बेटी। पुलिस को बुला, पुलिस को। ए, पुलिस के पास मत जाना। अरे रोको, यहाँ पुलिस नहीं आनी चाहिए। अरे रुकिए, आप घर जाइए, घर जाइए, आप घर जाइए। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। प्लीज प्लीज घर जाइए। आप समझती क्यों नहीं, घर जाइए ना। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अरे ये नहीं जाएंगी, ये पुलिस के पास नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। अरे आप रुकिए ना, आप समझती क्यों नहीं है? डोंट टच मी। देखिए, आप लोगों की दुश्मनी मेरे से है ना, ये पुलिस में नहीं जाएंगी, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लीज 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 प्लीज, आप डीडी भाई समझाइए ना, प्लीज प्लीज। मैं हूं ना यहाँ। हाँ तुम हो ना, इसीलिए तो सारे मोहल्ले में फसाद खड़ा हुआ है। सारा इलाका जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को। और तुम लोग, जरा सी इंसानियत शराफत तुम लोगों को छू नहीं गई है। बड़े हिंदू और मुसलमानों के ठेकेदार बनते फिरते हो। अरे पहले ठीक से मुसलमान और हिंदू तो बन जाओ, बाद में ठेकेदार बनना। बड़ा जोश लिए फिरते हैं, सारे मोहल्ले का चैन हराम कर दिया। इतना जोश है तो एक का मुकाबला एक करके दिखाओ,
एक हिंदू एक मुसलमान को मारो, खून बहाओ, खत्म कर दो, कोई नहीं पूछने वाला तुमको। ये जो भीड़ इकट्ठा करते हैं वो बुजदिल करते हैं, बहादुर एक का मुकाबला एक से करता है, उसके बाद हिंदू और मुसलमानों की ठेकेदारी निभाना। चलो बेटी। अंकल तुम जाओ, सारे फसाद की जड़ तुम हो, जब से आए हो सारे मोहल्ले में आग लगी हुई है, सुबह से चैन का सांस तक नहीं लिया। अंकल अगर पुलिस के पास चले गए तो बहुत परेशानी होगी। गाड़ी वहाँ खड़ी है, जाओ अपनी गाड़ी में। अंकल चलो, अंकल जाओ अपनी गाड़ी में। अंकल एक साहब दरवाजा खोलो, हमारे होते हुए आनंद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद कम आउट, शेम कम टू नो। दरवाजा खोलो, कम आउट। शिट यार, ऐसे दंगे जानलेवा हो सकते हैं। बात छोटी सी है पर कहां तक पहुंचेगी खुदा ही जानता है। बस पर इस लोगों की झगड़े में पड़ेगा कौन, तुम्हारा हमारा कौन सुनेगा? तुम नमाज पढ़ाओ, मैं भगवान की पूजा कराऊं, तुम्हारा हमारा कोई महत्व नहीं। हमें तो अपना फर्ज निभाना होगा, हमसे नहीं डरेंगे तो कम से कम पुलिस वालों से तो डरेंगे, क्या कहते हो? तो लगाओ फोन पुलिस वालों को। पुलिस पता है विजय और करीम क्या कह रहे थे? लेकिन पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कि फोन किसने किया था? पुलिस तो नाम पूछेगी मियाँ। नहीं बताएंगे नाम, हालात बताएंगे। लगाओ फिर पुलिस को फोन, चलो चलो चलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। आई एम सॉरी बेटा, मैंने बाहर उन लोगों के सामने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, सॉरी। अंकल मैं चला जाता, आप मुझे दोबारा अंदर ले आए। बेटा मैंने देखा जब सारी भीड़ मेरी बेटी शहनाज के पीछे भाग रही थी तो तुम अकेले रह गए थे। तुम अगर चाहते तो मौके का फायदा उठाकर अपनी गाड़ी लेकर भाग सकते थे, मगर तुम गए नहीं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मैं तुम्हें उन भेड़ियों और मौत के मुंह में छोड़कर आ जाता। नहीं बेटा, यकीन मानो तो आज मुझे पता चला कि दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद मजहब नहीं है। फ्रेंड्स एंड फोर्स कैन नॉट बी डिसाइडेड टू द बेसिक ऑफ रिलीजन। दोस्ती की बुनियाद तो इंसानियत होती है, इंसानियत। बेग साहब, अरे गद्दार हो एक नंबर के, एक मुसलमान हो के धोखा दिया है। कितनी गंदी ज़हनियत है इस मुल्क के लोगों की और कितना बदनसीब है ये मुल्क। एक हिंदू ने मेरी बेटी की जान बचाई और एक मुसलमान मुझे गद्दार कह रहा है, इससे बड़ा इनाम मुझे जिंदगी में क्या मिल सकता है? ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, गद्दारी तो धंधा है इनका। देश को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे? इंटरनेशनल नॉनसेंस। इतनी छोटी बात, जरा सी बात पे कयामत कर दी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला काटने पे उतारू हो गए। अब्बू मैं करीम से बात करती हूँ। क्या बात करोगी, नफरत की दीमक उसके जहन को चाट चुकी है, कोई फायदा नहीं है उससे बात करके। आप मुझे बात करने दीजिए। अरे बेटी, करीम भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसमें खून खराबा हो। मुझे मालूम है इस वक्त आप बहुत गुस्से में हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत समझदार इंसान हैं। अगर आप मुझ पर यकीन करें तो इस बात का हल है मेरे पास। आप ऐसा कीजिए कि आप अब्दुल को बुला लीजिए और मैं आनंद को बाहर बुला लेती हूँ। फिर क्या, आनंद अब्दुल से माफी मांग लेंगे, वो उसको सॉरी बोलेगा और वो उसको सॉरी बोलेंगे, दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे, किसा खत्म। मेरे को सिखाने आई है? अभी अब्दुल की बात नहीं है, करीम की बात है। अरे वो तो बच्चा है, वो क्या जाने, जब इज्जत पर बात आ जाए तो जान की बाजी लग जाती है। इसमें इज्जत की क्या बात है, और आपका तो ये मामला भी नहीं है। अब्दुल ने आनंद का नुकसान किया और आनंद ने अब्दुल को थप्पड़ मार दिया, अब आप ही सोचिए इसमें गलती किसकी थी।
लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि आनंद अब्दुल से माफी मांगेंगे। आनंद माफी नहीं मांगेगा, उसने कोई गलती नहीं की है। चलो बेटी, ये लोग हिंदू या मुसलमान बन के सोच रहे हैं, इंसान बन के कोई नहीं सोच रहा है। हुज्जत बेकार है, आ जाओ। हे माते, ये तुम्हारी रची हुई दुनिया है, फिर इतना खून खराबा क्यों? सबको पता था संग बहेगा अपनों का एक साथ लहू, सबको पता था संग बहेगा अपनों का एक साथ लहू, किसको गिला क्या किससे पूछूं, किसका कातिल किसको कहूं, सबने बहाया लहू है सबका, सबने छीना सबका करा, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार, करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार। दो डब्बे से चलेगा क्या? और दो तीन डब्बे भर के ला घासलेट के। पिछली बार उन्होंने हमारी गैरेज जलाई थी, इस बार उनके दुकान के एक एक लोखंड तक जला देंगे, समझा? मेरे तो हाथ पैर जले थे, अब की बार सालों के शरीर जला दूंगा। ऐसा चांस बार बार नहीं आता यार, हमारे गली में रह के हमें भाव नहीं देती। चलो आज चारों लोग मजा कर लेते हैं। बस यार, अगर एक से पटती तो चार में क्यों पटती? गणपत चुप बैठ यार, अपने को शादी थोड़ी करनी है, खा पी के मजा मारने का। उठा लेंगे आज उसको। करीम भाई, हाँ। नमाज पढ़ते वक्त अगर आनंद भाग गया तो क्या करेंगे? उसकी किस्मत, एक बार नमाज की नियत कर ली तो ख्याल सिर्फ अल्लाह का रहता है, दुनिया का नहीं। चलो नमाज पढ़ें। विजय ब्रदर, दैट्स पीपल वी आर बीजिंग इन नमाज, बाय दिस टाइम बेग साहब आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम प्रोसेस, नाउ हैपनिंग व्हाट इफ मे आनंद कम आउट ऑफ दिस हाउस? उसका भाग्य है यार, हम चलते हैं थोड़ा टाइम के लिए, हमारे दुश्मन नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे में आनंद निकल आएगा और हम उसे कार तक पहुंचा देंगे, लोग हम पर थू थू करेंगे, बोलेंगे करीम ने कुछ नहीं किया इसके लिए, हमारी सारी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। यस, मजा तो तब है जब इनके सामने आनंद को हम यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाएंगे। यस, समझा क्या? विजय ब्रदर, यू आर राइट, इफ दिस हैपन देन देयर इज नो हैपनिंग, इट विल इंसल्टेड फॉर यू, या मोर देन यू फॉर मी, नाउ कम ऑन, व्हाट यू आर वॉचिंग माय फेस, थोड़ी देर के लिए स्ट्रांग ब्रदर Walking down the street. हो सकता है इस वक्त करीम भी नमाज पढ़ रहा हो। ये सही मौका है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए।
इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो विजय भी नहीं है, करीम तो नमाज पढ़ रहा है। कौन किया फोन? किसी ने शायद किया होंगे साहब, बेवड़ा मार के। ओह, अरे इधर कोई लफड़ा हुआ क्या? नहीं साहब, कोई लफड़ा इधर नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ इधर, साला ऐसे ही फोन करता है पुलिस स्टेशन में, मगजमारी करता है। चलो। अम्मी, अम्मी आज खाने में क्या पका लूं? जो तुम लोगों का दिल चाहे वो पका कर खा लो, मेरे मुंह में निवाला नहीं जाएगा, मुझे भूख नहीं है। भूख तो मुझे भी नहीं है अम्मी। आज तो सबकी भूख मर गई है। लेकिन भाभी आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, माशाल्लाह आप उम्मीद से हैं, और अब्बू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, वैसे घर में मेहमान भी है। अम्मी, अम्मी आज सब फाके से रहेंगे। बेगम, आप यहां एक मिनट तशरीफ लाएंगी बाहर? जी। क्या हो रहा है? देखिए, मैं जानता हूं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ऐसे माहौल में किसका मन करेगा कुछ खाने को। मैं ही मुसीबत बनकर आया हूं। भाई तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा कोई खाने में खास परहेज तो नहीं है? तुम सब खाते हो या कोई मखसूस खाना है तुम्हारा? एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ। कोई बात नहीं, तो आज वही खाएंगे। एक काम करो, एक दाल बनाओ तड़के वाली, तुअर की और सब्जी। जी है? चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। आज दाल सब्जी खाएंगे, मैं तो अक्सर बेस्तर यही खाता हूँ। मेरे ज्यादातर दोस्त पंडित हैं। एक दूजे से ना जुदा हो, साथ ऐसा मिले, इन आसमानों में हम तुम दूर संग संग चले। ऊपर आपका दिमाग खराब है, अभी अबू को बोलती हूँ। आपा सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? आपा मेरा नाम करीम है, इसी बस्ती में रहता हूँ। देखिए आपा, बेग साहब ने एक ऐसा काम किया है कि सारे मुसलमानों के शर्म से सर झुक गए हैं। आय हाय गजब खुदा का, ऐसा क्या कर दिया भाईजान ने? आपा एक हिंदू लड़के को घर में छुपा रखा है। बकवास मत करो, समझे तो? अरे नहीं आपा, बिल्कुल सच बात है। नो लैंग्वेज नो मर्स टेकिंग हेल्पिंग ऑफ दैट बिग वुमन। खामोश रहो, क्या कह रहा है ये? आपा सारी बस्ती के मुसलमान नाराज हैं बेग साहब से। आखिर रहना तो उन्हें इसी मोहल्ले में है, घर में जवान बेटी है, और आज सारे मोहल्ले के सामने उस हिंदू लड़के ने शहनाज का हाथ पकड़ लिया। गजब खुदा का, शहनाज का हाथ पकड़ लिया? जी, मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई है, अब कौन मुसलमान लड़का शहनाज का हाथ पकड़ेगा? आपा आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा,
अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आप समझदार हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। आप अंदर जाइए, उसे धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए। यही होगा अब। सही कह रहे हो तुम, धक्के मार कर बाहर निकालती हूँ। मेरे होते हुए तो ये हिंदू लड़का इस घर में नहीं रहेगा, ईमान से। जी आपा। शहनाज, शहनाज। या अल्लाह, कुछ ऐसा करो कि आनंद घर से बाहर ना आए। अगर वो घर से बाहर आ गया तो बहुत खून खराबा होगा। या अल्लाह, आनंद को बचाओ। भाईजान, ये सब अजाब है। क्या बकवास कर रही हो? उठो भैया, तुम यहाँ से चलो, तुम यहाँ से बाहर जाओ। क्या बेवकूफी है, क्या कर रही हो? बस भाईजान, बस। गजब खुदा का, ऐसे अरे गेरे हमारे घर नहीं रहेंगे। ये इज्जतदार लोगों का घर है, शरीफ लोगों का घर है, पर्दादार है हम लोग। घर में जवान बहु बेटियाँ हैं, और ये तुम जाओ भैया यहाँ से। तबस्सुम, तुम हद से ज्यादा बकवास करती जा रही हो। गजब खुदा का भाईजान, पूरा मोहल्ला थूथू कर रहा है हम लोगों पर, और आप? आय हाय, आपको इज्जत की परवाह नहीं है अपनी? भैया, मुझे तो बहुत परवाह है अपनी इज्जत की। और आप जानते हैं, मैं शहनाज का रिश्ता पहले ही दे चुकी हूँ अपने ससुराल वालों के सामने। यहाँ खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई भाईजान, तो मैं तो अपने ससुराल वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आप अपनी जुबान वापस ले लीजिए, कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था। हमने कहा था लड़का देखने के बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी। शहनाज, एक चमाट मार दूंगी तुम्हारे मुंह पर अभी। तुम मेरी भतीजी हो, खाला नहीं हो तुम मेरी। आप भी मेरी फूफी है, कोई अम्मा नहीं। तबस्सुम, तुम्हें जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तबस्सुम, बात हक की नहीं है, हमने कोई जबान नहीं दी थी बेटी देने की। गजब खुदा का भाईजान, तौबा तौबा, आप जबान से फिर। अरे कमती थी जबान हमने। या अल्लाह, ये भी याद नहीं है आपको? आप मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक कटा कर ही रहेंगे, मुझे नहीं रहना आपके यहाँ। तोबा 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 तोबा, मैं तो स्टेशन पर 2 घंटे पहले ही जाकर बैठ जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। गजब खुदा का। अरे तबस्सुम, तुम खाम खा जिद किए जा रही हो। सॉरी। आई एम सॉरी। आप फूफी की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बोलते हुए सोचती नहीं है, वैसे दिल की बुरी नहीं है वो। अरे भाईजान, इनके सामने हाथ जोड़कर आप ये कह दीजिए कि यहाँ से दफा हो जाए। एक गैर इंसान के पीछे जरा सोचिए भाईजान, सारे सारे मोहल्ले की दुश्मनी मोल ली है हमने। आप इसे कह दीजिए यहाँ से चला जाए। नहीं कहा जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ ये सब जो हो रहा है, इस सब की जड़ मैं हूँ। कितने ताज्जुब की बात है, जब रहीम और अब्दुल के बीच झगड़ा होता है तो लोग उसे आपसी बात कहते हैं, लेकिन जब वही झगड़ा अब्दुल और आनंद के बीच होता है तो उससे हिंदू मुस्लिम का फसाद बन जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं। मैं बाहर जाने से नहीं डरता, डरता इस बात से हूं कि जिन लोगों ने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है, वो इस बड़ी बात को कहां पहुंचाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं बाहर गया तो बेतहाशा लोगों का खून बहेगा, जिनसे आप नफरत करती है उनका भी, और जिनसे आप प्यार करती हैं उनका भी। कितनी माएं रोएंगी अपनी औलाद के लिए। औलाद के लिए माँ की चीखों का कोई धर्म नहीं होता है। वाह आनंद वाह, मैं नहीं समझता था कि तुम इंसानियत को इतनी करीब से जानते हो। आंटी, आप प्लीज खाना खा लीजिए। चलो, मेरी वजह से इन सबको भूखा मत रखिए। गजब खुदा का, अब इनके साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा मुझे। तबस्सुम, अगर तुम नहीं खाती तो हम जा रहे हैं खाने को। मेरे बगैर खा लेंगे आप? तो फिर चलो। रुको, यहाँ आओ शन्नो, अब आओ भी। उफ, क्या प्यार है। थप्पड़ जोर से तो नहीं लगा था? नहीं नहीं। अरे वाह, फिर तो ठीक है। अच्छा ये बता, कबाब कैसे बने हैं? कोई कबाब नहीं बने, ये वेजिटेरियन है। गजब खुदा का, अब इनकी वजह से मैं घास फूस खाऊंगी। उसूलन तो तुम्हें वही खाना चाहिए, मंगाओ बाजार से। भाई जान। चलो चलो चलो, अभी चलो चलो। हम जानते हैं जुमानी साहब, आपने सरकार को वचन दिया है कि आप 5 साल में मुंबई में मेट्रो रेल चलवाएंगे। जानते हैं हम, लेकिन एक वचन तो आप भूल ही गए, हमारा जो 400 करोड़ रुपया है वो कब वापस कर रहे हैं? जल्द से जल्द वो रुपया हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करवा दो।
वरना मेट्रो ट्रेन चलाने का तुम्हारा वचन तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा, समझे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। हाँ कामिल खान, क्या हाल है, क्या खबर लाए हो? कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साहब, हालात अच्छे नहीं है। एक बार फिर हिंदू मुसलमान आमने सामने आ रहे, फिर दंगा चढ़ेगा, खून बहेगा, आग लगेगी। जी हाँ ठाकुर साहब, पिछले दंगों में तो हमने कुछ भी नहीं किया था, हिंदू मरे और मुसलमान मरे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इस बार हम खामोश नहीं बैठेंगे भैया। विवेक दीक्षित, हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो जगह बना रहा है उससे हमारी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गायब हो सकती है। हम खामोश बिल्कुल नहीं बैठेंगे और दोनों कौमों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाईजान, भाईजान बात सुनिए। हाँ बोल। किस्मत हमारे हाथ आ रही है, मैं चाहता हूँ कि करीम और विजय दोनों इस दंगे में मारे जाएं, ताकि अपने लड़कों का राज रहे इंदिरा नगर पर। दंगा तो जरूर होगा और इल्जाम विवेक दीक्षित पर ही जाएगा। फिक्र मत करो ठाकुर साहब, ये काम तो अपना हुसैन ही कर लेगा। हाँ ठीक है, हुसैन कर लेगा। और वैसे भी ठाकुर साहब, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, दोनों प्रेम से मिलजुल के रहेंगे तो हमारा फायदा नहीं है ना, क्या हम तेल बेचेंगे? अरे हम बेचेंगे दोनों कौमों का खून, उनकी भावनाएं, उनका धर्म। लेकिन दंगा पुलिस को पता चलने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। हाँ ये तो तब होगा ठाकुर साहब जब विजय और करीम चाहेंगे। ये तब होगा जब हम चाहेंगे, हम, या तब जब आनंद मरेगा। आनंद को हम मारेंगे, एक हिंदू का खून मुसलमान के हाथों, और वो भी मुसलमान के घर में। अरे इससे अच्छी बात दंगा शुरू करवाने के लिए हो ही नहीं सकती क्या? बस एक खून। क्या धर्म है, क्या मजहब है, इसे देखा किसने कब है, सबसे ऊंचा जो है वो है हम इंसान। क्या धर्म है, क्या मजहब है, इसे देखा किसने कब है, सबसे ऊंचा। शंकर चाय क्या पिला रहा है, विष पिला विष। क्या हुआ कबीर चाचा, क्या होगा? दोनों को इतना समझाने की कोशिश की पर ना विजय समझता है और ना करीम। ये दंगा और कितने लोगों की जान लेगा पता नहीं, बहुत बुरा लगता है। मेरी बात तो सुनिए, आज आप प्लीज काम पर मत जाइए ना, क्योंकि जब आप काम पर से वापस आएंगे तो आपको हमारे या इस घर की राख जरूर मिलेगी। प्लीज आज तो कम से कम आप घर से बाहर मत जाइए, प्लीज। हाँ डैडी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बेटा मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, हम आज ही इस बस्ती को छोड़ कर जाएंगे, हम रोज रोज मौत के डर में नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। वालेकुम अस्सलाम कफूर खान। आपके हुक्म से सारे लड़के लोग तैयार हैं, ये देखिए। खूब बढ़िया, क्या बात है कफूर खान। अब जैसे ही हुसैन आनंद का खून करेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तुम सब लोग इंदिरा नगर में घुसना और मुसलमान लोग को मारना। समझाना मैंने तुम्हें क्या कहा? और बाकी का काम, बचा हुआ काम बाकी के मुसलमान कर देंगे, समझाना तुम्हें? चल निकल। एक मुसलमान होकर तो अपने ही लोगों को मारेगा, तू सही नहीं कर्नल खान, ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ अल्लाह देख रहा है। ए इंसान है, इंसान बना रहे, अल्लाह बनने की कोशिश मत कर, हमारे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं, समझा तुम्हें? अभी तो तुम्हारी एक टांग टूटी है ना, दूसरी बचा के रख, वरना गंवाना पड़ेगा उसे। चल फुट यहां से, फुट। आचार्य जी, प्रदीप ठाकुर की गुंडागर्दी का कहर पूरे मुंबई शहर में आतंक का मोल फैला रहा है। आचार्य जी, हमारा तो सारा व्यापार खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है।
अब आप ही कुछ बता सकते हैं क्या करें, उसके गुंडों के धमकी भरे फोन आते रहते हैं। आचार्य जी आप ही कुछ कीजिए। सिर्फ आप ही हैं पूरे मुंबई शहर में जो प्रदीप ठाकुर की गुंडागर्दी से हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं। हमें तुम्हारी तकलीफों का एहसास है मिश्रा जी, लेकिन प्रदीप ठाकुर के बढ़ते जुल्मों को रोकने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि आने वाले इलेक्शन में उसकी सरकार ना रहे। लेकिन उसको इलेक्शन में हरवाने के लिए खड़ा कौन होगा उसके सामने सर, कौन? जी आचार्य जी, आप, आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए प्रदीप ठाकुर के खिलाफ, क्योंकि आप ही वो शख्सियत हैं आचार्य जी जो इस इलाके के लोगों का दुख दर्द समझते हैं, और वैसे भी आप में वो ताकत है जो प्रदीप ठाकुर को इलेक्शन में हरा सकते हैं, और इस काम में मैं आपके साथ हूं। बेटे तुम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आचार्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं? आचार्य जी मैं शाहिद अली। शाहिद अली? नहीं, मैं माफी चाहूंगा बेटे, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आचार्य जी मैं वही अनाथ बच्चा हूं जिसे आज से 15 साल पहले आपने सड़क से उठाकर इस घर में जगह दी, और जिसके लिए आपने हर महीने पढ़ाई के लिए खर्चे भेजे, और आपकी बदौलत आज मैं इंस्पेक्टर बन गया हूं सर। माफ करना बेटा, बड़े लंबे अरसे बाद मिले हो इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आओ। आचार्य जी आपने मुझे गले से लगाया, ऐसा लगा जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई। बस बेटा, मेरी एक ही तमन्ना है कि हिंदू और मुसलमान इसी तरह आपस में गले मिलें और भाइयों की तरह एक होकर रहें। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ? क्या सुनाएगा भाई, अपन तो बहुत कुछ सुन के आ रहे। अक्का मियां भाई लोग अपन पे हंस रहे ले भाई। हाँ भाई, सब लोग बोलता वो हिंदू छोकरा यहाँ से बच के नहीं जाना मांगता, इज्जत का सवाल है भाई अपन का। करीम भाई के रहते कभी ऐसा हो सकता है क्या शकील? अपन तो खुदकुशी कर लेगा भाई, अगर आनंद यहाँ से बच के चला गया तो बिरादरी को क्या मुंह दिखाएगा भाई, अपनी तो नाक कट जाएगी। भाई अपन को कुछ करना चाहिए। बोले तो साले को घर से बाहर खींच कर लावे, हम लोग तो आपके हुक्म की गुलामी कर रहे हैं भाई। क्यों शकील? और क्या, भाई का साथ नहीं देगा तो काहे का मुसलमान? अरे सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करे, वो साला अपने वाला ही गांडू है। अरे वही तो छुपा के बैठा साले को अंदर। कामिल बड़ा है, जालिम है। विजय भाई कुछ भी हो जाए अपने हिंदू भाई को हर हाल में बचाना है। हम लोग अपने देश में रहते हैं, अगर मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों से दब के रहे तो जीने का क्या मतलब? काट के फेंक देना चाहिए जो भी आनंद भाई को हाथ लगाए। इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस देश में हमारी बात माननी पड़ेगी। यस, दैट पीपल आर कंडक्टर्स ऑफ मेजर रॉन्ग थिंग हैपनिंग इन द लोकेलिटी ऑफ यूनिवर्स, दैट आर नॉट ट्रस्टेबल पीपल्स। नहीं तो क्या, ये लोगों पर भरोसा ही नहीं करना मांगता है। लेकिन जल्दी कुछ करना पड़ेगा, अपना एक हिंदू भाई मुसलमान के घर में बंद है। मैं तो एक भी मियां पे भरोसा नहीं करता, साले सब गद्दार होते हैं, बॉर्डर पर रख के खदेड़ जाना चाहिए सबको, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा हम लोगों की पीठ में छुरा घोंप देंगे। एक ही भारत माँ है तेरी, इसकी गोद ही तेरा सब कुछ, तेरी दुनिया जा है तेरी, फिर भी पगले लड़ता है तू, जाने कैसी चली बया, करते हैं सब
प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार। आनंद मियां, ये तुम्हारी फूफी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। मेरे लिए? क्यों, तुम उनके बेटे जैसे नहीं हो? नहीं हूं, लेकिन अगर वो खुद देती तो। खुद देती क्यों, मेरे हाथ में देने से कुछ वजन कम हो गया इसका? लेकिन अंकल, माँ के हाथ का तोहफा तो फिर माँ को खुद देना चाहिए। वो तबसुम जी भाईजान, ये आपके फर्जंद अर्जुमन मिस्टर आनंद की ये फरमाइश है कि ये तोहफा जो है आप अपने हाथों से इनको दें। भाईजान, दे तो दिया मैंने आपको, लाई तो थी अपने बेटे के लिए, इन्हें देना मेरे हाथों से जरूरी। ये तो आपके बेटे जैसे ही हैं, हैं? यह हाथ हाथ में फर्क होता है, आपका हाथ है और मेरा हथौड़ा है। दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। इंग्लैंड में पैदा हुए थे, शुक्रिया बोलो। शुक्रिया। हाँ, रहन दो, अंदर वाले मुझे नोच कर खा जाएंगे, उन्हें भी तो। चलो, मैं भी तुम्हारा सामान बांधने में मदद करता हूँ। भी शन्नो के लिए, बाद में दूंगी उसे। है शन्नो, पसंद आई? अच्छी नहीं लग रही है, है? ये रंग मुझ पे जच ही नहीं रहा है। है शन्नो, हो क्या गया तुम्हें? अभी तो कह रही थी बहुत खूबसूरत है, ये रंग तुम्हें बहुत पसंद है, अब क्या हो गया? नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं है। गजब खुदा का, दुल्हन दुकाने छान मारी मैंने, भटक भटक कर परेशान हो गई तो ये मिली। महंगी वाली है, कोई सस्ती नहीं है ये साड़ी। हाँ। भाई इनके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। आप मुझे कोई और दिखाइए ना। सारे बहाने हैं तुम्हारी दूसरी साड़ी लेने के लिए। कहाँ गई वो? ये देखो, जाओ। अब के लखनऊ से आऊंगी ना तो अच्छे वाले चिकन के सूट लाऊंगी जी, ठीक है? हाँ मेरी बच्ची। फूफो, आप कितनी अच्छी है ना। हाँ, और कोई साड़ी नहीं है आपके पास? गजब खुदा का, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, यहाँ तो बैठ मेरी बच्ची। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरे बेटे? हाँ, हाँ। पहले तो मैं लाती थी साड़ियाँ, मेरी पसंद की हर साड़ी हर कपड़ा तुझे अच्छा लगता था, अब क्या हो गया तुझे, क्यों पसंद नहीं आ रहा तुझे? मैं क्या आगे भी तो कह बच्ची, और कोई साड़ी दिखा दो ना। और साड़ियाँ तो नहीं है भैया, ये दो थी, इसमें एक तुम्हारी अम्मा की है, बाकी पुरानी साड़ियाँ हैं, चाहो तो उसमें से ले लो। ठीक है, दिखा दीजिए। बेगम साहबा दिखाऊँ आपको? आप खुद देख लीजिए, खोलो सूटकेस ले लो। खाली वजह है भाई, बड़े नखरे हो गए इनके, करीना कपूर की तरह नखरे करने लगे ईमान से। ये यही है, चाहिए तो रख लो वरना इसमें डाल दो वापिस। क्या हो गया इसे? साड़ी एक भी पसंद नहीं आ रही है बेटा। फूफो, क्या करें? हाँ, ये साड़ी मैं रख लेती हूँ, ये मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। है? हाँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दो रकात नमाज शुक्राने की नफिल पढ़नी पड़ेगी मुझे, अल्लाह ताला रहम कर ऐसे पागलों पर। थैंक यू फूफो। आए हाय, थैंक यू। होने लगा है ये तेरा, तू
करीम भाई, आपसे एक बात कहूं। क्या है बे, तुझे जाना है? नहीं, वो बात नहीं है करीम भाई। अबे तुझे सिर्फ तेरी पड़ी है, यहां हम सब मुसलमानों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तू तू कर रहे हैं लोग मुंह पे। हिजड़ा साला, अबे तुझ जैसे हिजड़ों की वजह से मरते हैं मुसलमान। तुम में से भी जाना है किसी को? जाना है बे, जाओ, अकेला लड़ लूंगा। अमेरिका जाएगा, अमेरिका जाएगा, अरे वहां से भी धक्के मार के निकाल देंगे मुसलमानों को। और एक ही है बेग साहब, एक हिंदू को घर में छुपा के बैठे हैं। अरे लानत है समिया भाई पर। ये पकड़कर खींच जोर से। हाँ वो ये बंद ही नहीं हो रहा है। अरे इतना बड़ा बैग है, हाथी जैसा वजन है इसका, तुम पूरा बाजार खरीद के लेके जा रही हो क्या? गजब खुदा का भाईजान, इसमें सामान है लखनऊ वालों के लिए। अरे बंद नहीं हो रहा है। पहलवान लाऊं क्या? फूफो ये बंद हो ही नहीं रहा, छोटा पड़ रहा है। सामान ज्यादा है, जोर लगा थोड़ा। मैं बंद करता हूं। ना भैया ना, हम खुद बंद कर लेंगे, रहने। आंटी मेरे छुरे से नापाक तो नहीं हो जाएगा? गजब खुदा का भैया, कमाल का लड़का है भाईजान ये। कहां के बाद कहां पहुंचा देते हो मियां। करना यार, करो अपनी जोर आजमाइश। आप रहने दीजिए भाईजान, दुख रहा होगा, हाथ दुख रहा होगा। इससे थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, संभाल कर जोर से। हाँ जरा जोर लगाओ तो। हो गया, गजब खुदा का, टूट गया। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। तुमने अपने हाथों से कभी कोई चीज सही भी की है? ऊपर से हंसी है मत भाईजान। तुम तो बिल्कुल शब्बन मियां के तरह हो हमारे लखनऊ के। उन्होंने जिस चीज को हाथ लगाया बर्बाद कर दिया। अरे हो गया ना, छोड़ो। रस्सी मिलेगी अब, वो भी मैं ढूंढ कर दूं। अरे रुको, उधर ड्रॉमर से निकाल लो। हाँ है। हाँ जी। क्या करोगे इसको, लटक जाओ। ये रस्सी टूट जाएगी, इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। भाईजान आप हंसी मत भाईजान। बांध देता हूं। सही से बांधो जी, रस्सी भी तोड़ दोगे। हो गया? बस आंटी हो गया। शुक्र है अल्लाह, काम हो गया। अरे इनका भी शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया। नाम तबस्सुम है, मायने मालूम है ना? जी। क्या मुस्कुराना? तो फिर मुस्कुराओ ना। भाईजान आप भी ना। नफीसा बेटा जल्दी मेरा बुरखा निकाल के रख दो, टाइम नहीं हो रहा है। चलो उठाओ फिर बुरखा। रखो रखो, यहां रख दो। एक काम करो, तुम रिक्शा बुलवा दो। ए, 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 ए। ए, ए कायर की औलाद, बुरका उतार। हमारे होते हुए बुरके में नहीं जाएगा तू यहां से। अरे इनसे पहले तो मैं मार दूंगा तुम्हें। नॉनसेंस, यू आर कटिंग अवर नोज, शो मी व्हाट इज इन योर बुरखा। बिना चेहरा देखे तो मैं किसी को यहां से जाने नहीं दूंगा बेग साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। बेग साहब गोदी में बिठा लेते अपने लाडले को, बुरके में छिपा के साबित कर दिया कि साला नामर्द है। बहुत बदतमीज, बेहया और बेशरम किस्म के इंसान हो तुम। अरे तुम्हारे घर की औरतें बिना पर्दे के सड़कों पे घूमती होंगी, हमारे घर की नहीं। शरीफ औरतें तो पर्दे में रहती हैं। और फिर नकाब निकालना है क्या? तो तुम्हारा बस चले तो कपड़े भी उतार दो, ये देखने के लिए कि अंदर मर्द है या औरत। धब्बा हो तुम, धब्बा मुसलमानों के नाम पर। तकरीर नहीं चचा, हम भी जानते हैं कि अच्छा और सच्चा मुसलमान कौन है। हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ से बाहर कौन जा रहा है। तुम होते कौन है मेरे घर की किसी खातून का नकाब उलटकर सरेआम उसको बेनकाब करने वाले? तुम हो कौन? तुम्हारे माँ बाप ने तहजीब ईमान शराफत कुछ सिखाया नहीं तुमको? मजबूर मत करो बेग साहब, वरना अपने हाथों से नकाब नोच दूंगा। अरे मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये ले। ओ, जेन्युइन लेडी। देख शैतान, दीदे फाड़ फाड़ कर देख, मैं औरत हूँ। हाय तोबा तोबा, गजब खुदा का, अगर तुम जैसे मुसलमान इस दुनिया में जिंदा है तो मैं अल्लाह ताला से भीख मांगती हूँ कि तुम जैसों को मिटा दे और खत्म कर दे। तुम लोगों के दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा? ईमान की रोशनी मर गई है? तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से दुनिया के सारे मुसलमानों पर थू थू कर रहे हैं। अरे फिटकार बरस रही है तुम चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों पर।
लानत है तुम पर। मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसा मुसलमान हूँ। अल्लाह तो बेशक जानता है, मगर तुम नहीं जानते कि तुम में रत्ती भर ईमान नहीं है। पता नहीं कह के मुसलमान हो तुम। तकरीर नहीं चचा, तकरीर नहीं। मेरे लड़के जाएंगे तुम्हारे साथ स्टेशन तक, और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अपनी जान गवा बैठोगे। भाईजान, चाहे मैं लखनऊ जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इन गुंडों की जिद मैं भी पूरी नहीं होने दूंगी। गजब खुदा का, आप चलिए अंदर। अरे तो क्या इनसे हार मान ले? भाईजान आप चलिए तो सही। डर के घर में बैठ जाता तपस्सुम, क्या समझ रखा है इन लौंडों ने? तौबा तौबा। आंटी, मैंने आप लोगों से कहा था कि हाँ हाँ, तुम नजूमी हो ना। कमबख्त मरे, तुमने हमारे सारे रास्ते बंद करा दिए जाने के। जरा सोचिए भाईजान, भरे मोहल्ले में इस लौंडे की वजह से मुझे अपना नकाब उठाकर अपनी शक्ल दिखानी पड़ी सबको। कुछ समझ में आई बात? अल्लाह जाने कैसे कैसे और दिन देखने पड़ेंगे इस कमबख्त मरे की वजह से हमको। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में इसने कदम रखा था हमारे घर में भाईजान। अरे तुम अपना मुंह काला करके कहीं चले क्यों नहीं जाते? हाँ, पूरे घर की बेइज्जती करवा चुके हो, खानदान की बेइज्जती करवा चुके हो, अब क्या घर में से किसी की जान लेकर जाओगे? या मेरे बोला, इस बला से निजात दिला दे हम लोगों को। तुम जाओ। तौबा तौबा। आप फूफो की बातों का बुरा मत मानिए। लानत है ऐसे लोगों पर। तबस्सुम, देखो मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, लेकिन अपने आप को संभालो। अरे क्या खाक संभालो भाभी। अरे ऐ गजब खुदा का, ऐसे तो शहनाज फूफो, गजब खुदा का, कितना और बर्दाश्त करोगे भाईजान? हमारी इज्जत पर डाका डाल दिया है इसने। ऐ है, मैं तो कहती हूँ धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए इस नसीब जले को। और अगर देखिए भाईजान आप में हिम्मत नहीं है तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निकाल देती हूँ। अरे हमें क्या, चले मरे जहन्नुम में जाए। आपको इसी बस्ती में रहना है भाईजान, अपने कौम के लोगों के बीच। बस इतनी बात समझ लीजिए आप, बस इस मनहूस को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दीजिए। अंकल, मैं जा रहा हूं। मैं सिर्फ 2 मिनट का मेहमान हूं। मैं यहां से बाहर जाऊंगा और बस वो लोग मुझे मार डालेंगे, इसीलिए एक बार मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। प्लीज अंकल, क्या आप लोग मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? अरे आंटी, आपने तो मुझे वो तोहफा दिया जो आप अपने बेटे के लिए लाई थी। क्या आप अपने इस बेटे से कुछ कहना नहीं चाहेंगे जो सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है? कोई आशीर्वाद, कोई दुआ नहीं देना चाहेंगे आप लोग? अंकल, अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं आप लोगों से जरूर कहता कि आई लव यू ऑल। मैं दिल से आप लोगों को अपना मानता हूं। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम्हारे सीने में ही दिल है जो दूसरों के लिए धड़क सकता है? हम लोगों के सीने में पत्थर रखा हुआ है। तुम्हें हम सब की कसम, अगर तुम यहां से बाहर गए तो बाहर मत जाना।
काजी साहब, काजी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहो क्या हालात है वहाँ के? हालात बहुत खराब है काजी साहब, मस्जिद के बाहर लोग बातें कर रहे हैं कि दूसरे मुल्क से टेम्पो भरकर हिंदू आ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से घिर गए हैं काजी साहब। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन काजी साहब हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। सभी की अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, बेशक आप लोग डरिए मत। दंगा तो होगा, नक्की होगा। तू हथियार का इंतजाम कर, आज मौका मिलते ही जावेद को खल्लास कर दूंगा। साला बहुत जीरिया रे। अगर हम लोग पकड़े गए तो? कहां रे, दंगों में कौन किसको पूछता है साला है? कौन मरा कौन बचा? अरे लोग अपनी दुश्मनी तो निकालते हैं, एक बार दंगा शुरू तो होने दे, साले उस जावेद को वहीं पर टपका देंगे। ठीक है चल, मेरी बात सुन अब्दुल बेटा, मैंने सब देखा। आनंद के गाड़ी की कांच तूने ही तोड़ी, मुझे लगता है तुम्हें उससे सॉरी कहना चाहिए। हाँ कबे चाचा, उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक मुसलमान को थप्पड़ मारा है, उसकी सजा करीम मामू उसे जरूर देंगे। नहीं ऐसे मत बोल अब्दुल बेटा। ए तुझी से हो शुरू, हर एक पल रहे रूबरू, मिलके आ हम बनाए जहां प्यार का। इधर आइए मौलाना साहब, मुझे एक आइडिया आया है कि हम पुलिस को फोन करते कि बेग साहब के घर में झगड़ा हुआ है, तब जाकर पुलिस को पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। हेलो पुलिस स्टेशन, हे पुलिस इज कमिंग, दिस इज सेकेंड राउंड। पुलिस शुड नॉट सी अस, यू अंडरस्टैंड, देन टेल हिम इन हिंदी, ओके? द वॉल इज सो टॉल। रफीक भाई जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक भाई, एक सच्चे मुसलमान की तरह आज तुम्हें एक मुसलमान की मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं तुम्हारे घर के छत के रास्ते से बेग के घर के अंदर जाऊंगा और उस साले हिंदू लड़के को घर से बाहर खींच लाऊंगा, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो क्या बोलते हो? एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की मदद ना करे तो लानत है उस पर, वो बेग तो है खबीज। आओ मियां बिस्मिल्लाह करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंकल आपकी बात सुनकर तो यही लगता है कि ये करीम की बहुत बड़ी नासमझी है, जो वो अपने भाई मुश्ताक का कातिल विजय को समझता है। क्या कभी आपने उन दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की? अरे आनंद, मैंने उन दोनों को बहुत समझाया था, लेकिन दोनों को समझाने का मतलब है पत्थर पे अपना सर पटकना। आनंद सब ठीक तो है ना? मैं विजय बोल रहा हूं, सब ठीक है ना? एक
कौन है तू? बोल कौन है तू? आनंद इसका नकाब हटाओ, नकाब हटाओ उसका। हुसैन तुम तो कामिल खान के आदमी हो, तुम्हारी आनंद से क्या दुश्मनी है? क्यों मारना चाहते थे उसको? तुम तो इस बस्ती के भी नहीं हो, मेरे घर में घुसे कैसे तुम? प्रदीप ठाकुर के कुत्ते! अब मैं चाल समझाऊं तुम्हारी, एक मुसलमान के घर अगर एक हिंदू का खून हो जाए तो दंगे तो होंगे ही। अब मैं चाल समझा। अरे संभाल उसको, इसको छोड़ बेटे। क्यों भाग रहा है? मेरी माँ बीमार है साहब, मेरी माँ के लिए दवा लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ तेरी माँ को? संभालो अपने आप को, संभालो तुम। क्या सब खैरियत? हाँ बेग साहब, चाय नहीं पिलवाएंगे? चाय? आप लोग मेरे घर में? हाँ बेग साहब, मेहमान आए हैं, चलिए चाय पिलवाइए। अच्छा हाँ हाँ, बेगम चाय तैयार करना तो। हाँ जी, तुम चलो पीठ के बल चलना। हाँ आओ आओ। वाह भाई, आप लोग मेहमान बन के आए हैं तो मेहमान को चाय वाय तो। हाँ क्या बात है बेग साहब, बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। कौन मैं? नहीं नहीं, वो मैं असल में ये ताजुब कर रहा था अल्लाह का करिश्मा कि ये मारने वाला भी मेरे घर में और बचाने वाला भी मेरे ही घर में और मार खाने वाला तीनों एक साथ मेरे घर में, तो अजीब सा हो लग रहा था। पूछो कौन है। कौन साहब है? इंस्पेक्टर नार्वेकर। बेग साहब, अगर पुलिस को आनंद के बारे में कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। अगर पुलिस के सामने मुंह खोला तो याद रखना चचा, तुम्हें यहीं रहना है। आज ये तो यहां से बच के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के मुंह पर तेजाब से सजा के निशान मैं बनाऊंगा। हाँ भाई, समझता हूँ। दरवाजा खोलिए। हाँ एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जरा औरतें पर्दा कर ले। बस खोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अरे ये कहाँ चली गई? या अल्लाह रहम कर मेरे महबूब, तूने पुलिस को सही वक्त पे भेजा है। ये खून खराबा टलने तक उसे यहीं रुकने की हिदायत दे मालिक। सब तेरे ही तो बंदे हैं, सबके दिल में रहम डाल मेरे मौला। अखले सलीम अता फरमा मेरे मालिक, तू ही रहीम है, तू ही रहमान है, तू ही मुहाफिज है, सबकी हिफाजत करना। अमीन, सुमामी। माफ कीजिएगा बेग साहब। हाँ। आपको कष्ट दिया। नहीं कोई बात नहीं। करीम, विजय जी इधर। वो आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट है। अरे नहीं, हम तो यहाँ बेग साहब से चंदा मांगने आए थे और उन्होंने चाय पे बिठा लिया। किस बात का चंदा? सर, मैं और करीम फनसवाड़ी में एक मंदिर और एक मस्जिद बनवा रहे हैं, वो भी आजू बाजू में। इसी बात का चंदा लेने के लिए बेग साहब के यहाँ आए थे। हाँ। ऐसा काम मत करो भाई, अल्लाह और भगवान को एक साथ मत रखो, कल को ये झगड़े का सामान बन जाएगा। ये कौन है? जी ये वो आनंद है, मेरे बेटे सलीम का दोस्त है, वो बेंगलोर से आया है। हेलो आनंद। असल में वो बच्चा शर्मा रहा है आपसे। अच्छा अच्छा, चाय पीजिए हमारे साथ। अरे वाह, करीम भी यहाँ है, विजय भी यहाँ है, सलीम का दोस्त आनंद भी यहाँ है, और अब चाय भी ठीक है। खून
उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे आदमी का खून बहाया। अच्छा बेग साहब, अब मैं चलता हूँ। नवाजिश, चाय बनाने के लिए धन्यवाद। आइएगा। आनंद को मारेगा। क्या खबर लाए हो कामिल खान? कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, काम बड़ा गलत हो गया। क्या हुआ? आनंद हुसैन के हाथों से बच गया। वो क्या हो गया कि ऐन मौके पे पुलिस पहुंच गई। ठाकुर साहब, बड़ी मुश्किल से हुसैन अपनी जान बचा के भागा है वहां से। हरामजादे, ये खबर सुनाने आया है हमको? अरे हमें आनंद की जान चाहिए, जान। अब दंगे कहां से होंगे? साला इतना सा काम नहीं कर सके तुम? किस तरह खिलाते रहते हैं तुमको? हुसैन ने ट्राई किया था ठाकुर साहब, लेकिन वो बेग साहब और उनकी बेटी शहनाज बीच में आ गई। उन लोगों ने बचा लिया उस हरामजादे आनंद को। चुप रहो, सोचने दो। साला कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ मत सोचिए ठाकुर साहब, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तो फिर बताओ ना भैया, समय कहाँ है हमारे पास, जल्दी बताओ। ठाकुर साहब, गौर से सुनिए मेरी बात। झगड़ा शुरू किया था अब्दुल ने, जिसने आनंद की गाड़ी का शीशा तोड़ा था। जल्दी बताओ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अगर हम अब्दुल को मार देंगे तो मुसलमान यही सोचेंगे कि हिंदुओं ने उस बेचारे मासूम अब्दुल की जान ले ली। फिर वो चुप नहीं बैठेंगे, वैसे भी उनका खून काफी गर्म होता है। फिर तो वो आग लगा देंगे हिंदुओं की बस्ती में, और फिर शुरू हो जाएगा हिंदू मुस्लिम दंगा। हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए आग, खून, और दोनों कौमों में बंटवारा। आचार्य जी, करीम और विजय को अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। बेकसूर लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। कुछ तो कीजिए आचार्य जी, इस नरसंहार को आप ही रोक सकते हैं आचार्य जी। कुछ कीजिए आचार्य जी, कुछ कीजिए। हे, इधर आ। क्या है अंकल? क्या रे, तेरा दोस्त अब्दुल कहाँ है? वो नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ है। मस्जिद में गया है। अच्छा चल, हाँ। तू अभी घर जा और अपने अम्मी और अबू के साथ अल्लाह को याद कर। अब तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है? चल अब घर जा।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं इतने सारे निर्दोषों का खून नहीं बहा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। ये बोझ लेकर मैं नहीं जी सकूंगा। करीम नमाज पढ़ रहा है और विजय गैंग है नहीं। ये अच्छा मौका है यहां से निकलने का। निकल बाहर, बाहर निकल, निकल साले बाहर, निकल बाहर, बाहर निकल, आनंद बाहर निकल। क्या कर रहे हो? भागे रे साले, भागता है। या अल्लाह, विजय और करीम दोनों किसके पीछे भाग रहे हैं? कहीं ये आनंद के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? अरे फिर आनंद इस तरह क्यों भाग रहा है? कुछ लफड़ा है। रुक जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। आचार्य जी हट जाओ यहां से, आज हम आनंद को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कामिल बड़ा जालिम है। अरे माँ का दूध पिया है ना, तो आनंद को हाथ लगा के बता, नहीं हाथ तोड़ दिए तो नाम बदल देना। जाहिल कहीं के, देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं मगर तुम लोगों को अभी तक अक्ल नहीं आई। आनंद को मारकर तुम किस बात का गर्व महसूस करना चाहते हो? इस बात का कि तुमने आज एक कौम को नीचे दिखा दिया। तुम दोनों कौमों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया और आज इसी आजादी को खत्म करना चाहते हो। क्यों तुम अपनी घटिया सोच के गुलाम हो? शर्म आती है मुझे और तुम्हारी सोच पर दुख भी होता है कि इस देश को आजाद कराने के लिए जो तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी वो सब व्यर्थ गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से इस देश का भविष्य डगमगा रहा है। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इन हरकतों से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? ये आचार्य इन बेवकूफ लोगों को क्या समझा रहा है? क्यों नहीं बदलते तुम लोग अपनी इस घटिया सोच को? तुम्हें सोचना चाहिए इस देश के 120 करोड़ लोगों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, जिन्हें ये सब देखते हुए कितनी तकलीफ होती होगी कि उनकी हालत अपने रास्ते से भटक चुकी है और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए एक दलाल का काम कर रही है। शर्म करो, रत्ती भर मुसलमान और रत्ती भर हिंदू अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ बैठे हैं और ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं जिसकी आग की लपटों में पूरा मुल्क झुलस रहा है। बंद कर दो दोनों कौमों को आपस में लड़ाने वाली घटिया सोच और घटिया विद्रोह को जो तुम्हें तबाही, खून खराबे और विनाश के सिवा कुछ नहीं दे सकती। जी आचार्य जी। इंस्पेक्टर, ये लड़के अपना रास्ता भटक गए हैं, इनको इनके घर तक पहुंचा दो। जी चलो सब लोग। आचार्य जी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आनंद, मैंने तुम्हें नहीं इस देश को बचाया है।
आचार्य ने प्रदीप ठाकुर का प्लान फेल करके उसकी सीएम की कुर्सी हिला दी है। लगता है जल्द ही प्रदीप ठाकुर की सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। भलाई इसी में है कामिल खान, प्रदीप ठाकुर के बारे में मत सोच, अपनी जान बचाने के बारे में सोच। अब जल्दी फूट ले यहाँ से। कामिल, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। देश को तुम दोनों की दोस्ती और एकता की जरूरत है। चाचा, हिंदू मुस्लिम एक हो गए।